व्लॉग एंड किया था और आसमान में नजर गई, चन्ना मामा निकला है भाई। बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों अभी मैं हूँ ऐसी जगह जहाँ पे, अभी आपको दिखाता हूँ, रुको। ये मेरे पीछे और ये मेरे पीछे, क्या बोलते पब्लिक, कैसा है सीन। सो अभी मैं हूँ ढेकाले डैम। ये ढेकाले डैम वांधी प्रकल्प बोलते हैं इसको। अभी हम इधर है और ये मेरा कजिन, पुलिस आए थे तो भागे हम लोग वहाँ से, तो इधर सबसे पहला आके चुपके खड़ा है, उससे भी आपको मिलाता हूँ मैं। सो कैसा लगा आपको नज़ारा। ऑलमोस्ट अभी सनसेट होने ही वाला है। इधर क्या सन, हाँ ये इधर बादलों में छुप रहा है, सनसेट होने ही वाला है। सो चलते ऊपर फटाफट और सनसेट कैप्चर करते हैं। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि भाई तू बार बार डैम पे जाके डैम का दिखा रहे है। सो भाई अपने एरिया में ऐसे ऐसे डैम है ना, जिसका मतलब खूबसूरत देखते ही बनता है भाई। ये देखो क्या कहना है इसके बारे में आपका, है क्या ब्यूटीफुल। तो ऐसे खूबसूरत नज़र में आपको पूछ लेता हूँ मैं, खैरियत कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह अपन भी एकदम खैरियत से। और ये मेरा कजिन देखो फट्टू, पुलिस आ गई तो पहला उतर के भागा बाइक पे से। आप नज़ारा देखते चलो भाई, मतलब क्या है ये व्यू। पाचल देख ना भाई, पाचल देख। और अच्छी अच्छी पब्लिक आई आज, मेरे को पानी में आने का बहुत दिल कर रहा है यार, पर अभी अभी बीमार से उठा हूँ तो नहीं कर सकते ऐसा। और ये चीचा पानी का असली मजा ले रहे भाई। अंकल, ओ अंकल, इसको हाय करो। आप आवाज सुन सकते हो पानी का। अब ये दीवार आ गई है, वो जहाँ से पानी पड़ा उसके दीवार आ रही है, तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई, इतना चढ़ना पड़ता है इधर आने के लिए, तो यहाँ पे व्यू अच्छा मिलता है। और सांसें फूल रही भाई, लगता है जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। You can see behind me, बहुत ब्यूटीफुल एकदम। और आज मौसम अच्छा है इसलिए हम लोग निकल आए। सो फाइनली वी रीच एट द टॉप ऑफ द डैम। ये मेन गेट का रोड है जहाँ पे हम लोग गए थे अभी, वहाँ से पुलिस ने भगा दिया हमको। सो हम लोग सर्क्यूट वे से आए। मेरी सांस क्यों फूल रही है आपको बता देता हूँ, कितना ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। और एक्चुअली मैं भागते भागते आया, बिकॉज मुझे सनसेट भी कैप्चर करना था। तो अभी देख सकते हो यहाँ से आपको उतरना है, यहीं से चढ़ना है। और मैंने जो स्टार्ट का वीडियो कैप्चर किया था वो यहाँ से कहते हैं, ये ब्रिज पे से। ये वो बहुत दूर है, दिखने में नज़दीक दिखता है। सो अपन जब पानी देखते हैं, आपको पानी दिखा देता हूँ। और डैम यहाँ पूरा ओवरफ्लो हो चुका है आज, आज नहीं बहुत पहले हुआ है, मैं आज आया हूँ। सो डैम पूरा ओवरफ्लो हो चुका है, ये देखो। और ये ब्यूटी है, और जो बंदूक नहा रहे ना वो इसके बहुत नीचे नहा रहे उधर। अगर वो इधर आएंगे नहाने के लिए इस पानी के बहाव में, तो वही के चले जाएंगे नीचे तक। और अच्छे खासे जगह की वाट लगाना कोई जानता है तो वो इंडियंस, क्योंकि इतना अच्छा ये प्लेस है। और यहाँ पे आपको रैपर दिखना कॉमन है, वेफर्स के बोलोगे, पॉलिथीन बैग्स, कोडिंग के ग्लास, ये कॉमन है हमारे यहाँ पे, दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, प्लीज़ ऐसा मत करो, इसको जा संभाल के रखो यार, ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है।
पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे नेट लगाई गई है बिकॉज इसमें बहुत सारी मछली है जो यहाँ से पानी के भाव में नीचे जा सकते हैं, दैट्स वाई ये नेट यहाँ पे लगाया गया है। डैम के उस पर वहाँ पे भी एक गांव है और ये लोग नेचर की गोद में रह रहे भाई। ये डैम बहुत गहरा है और बहुत दूर तक फैला हुआ है। इंशाल्लाह कब मौका मिलेगा ना तो मैं वो उधर जहाँ पे डैम का स्टार्ट होता है, मतलब पानी जहाँ पे एक्चुअल पानी यहाँ पे घुसता है, वहाँ पे हम जा चुके हैं बहुत बार क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ। सो आई नो ईच एंड एवरी प्लेस कहाँ से पानी आ रहा है अंदर, और मतलब पानी आ रहा है, मतलब पानी जहाँ से ज़्यादा पानी आता है वो वहाँ पे है, जब उसको ठाकुरपाड़ा बोलते हैं, वो एरिया का नाम ठाकुरपाड़ा है। हम लोग वहाँ बहुत बार गए नहाने के लिए, सो कभी ले चलूँगा आपको। ये नज़ारे, ये वादिया। अब लोग बोलते भाई कश्मीर जा, लद्दाख जा, साउथ जा, लेकिन भाई अपने आसपास के एरिया में भी ऐसे ऐसे प्लेस है जो एक्सप्लोर करने जैसे है, तो नज़र चाहिए सिर्फ देखने की। और ये देखो, ये जाके ऊपर बैठ गया फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेगा खुद की। अभी अपन ऊपर चलते और सनसेट कैप्चर करते। सूरज बादलों के बराबर ऊपर है थोड़ा सा, और ये देखो किस तरह से दिख रहा है, कैसा लग रहा है ना, एकदम ब्यूटीफुल। और इसके ऊपर देखो बादल, मस्त मौसम है। तो कैसा लगा आपको ये नज़ारा, बहुत ब्यूटीफुल है ना, बहुत मस्त है यार, मज़ा आ रहा है। मतलब आके आज बारिश बिल्कुल नहीं हुआ, सुबह में मॉर्निंग में इतना बारिश था यार मैं परेशान हो गया। एक्चुअली मुझे यहाँ का सनराइज़ कैप्चर करना था यहाँ पे, अदरवाइज डांडा खड़ी ब्रिज पे जाना था, पर बारिश बहुत था। मॉर्निंग में उठा 5:30-6 बजे समथिंग, तो बहुत बारिश था तो मैंने स्किप कर दिया प्लान और मैं ब्लैंकेट उड़ के सो गया बस। तो अभी मेरे पीछे देखो आप, ब्यूटीफुल नज़ारा है यार। कभी आओ यहाँ पे, आओगे तो फ़ोन कर देना मेरे को, मैं भी। बादल हट रहे और सूरज नीचे आ रहा है, और जो मोमेंट कैप्चर होने वाला है अब बहुत ब्यूटीफुल है। जितना आप देख रहे हैं ना उतने ही बादल है, मतलब उतना ही पैच है, वहाँ से सूरज नीचे आ रहा है। सेम जो शिरगांव बीच में मेरे साथ हुआ था ना, वो सीन यहाँ पे हो रहा है अभी। इसको बोलते हैं किस्मत। तो एक और ब्यूटीफुल सनसेट देखने मिल रहा है, एक और बेहतरीन शाम का एंड होते हुए। एक्चुअली बादल है ना ऐसे मूव हो रहे आगे,
बहुत मस्त लग रहा है ना, और साइड में ऐसा पानी जो गिर रहा है ऊपर से स्लोप में से नीचे, तो उसका जो आवाज़ आ रहा है एक कान से वो आवाज़ आ रहा है साथ में करके पानी का आवाज़, और ये बादल बीच में आ गया यार। ये मेरी और एक्साइटमेंट थी या क्या था पता नहीं, पर फिर से बादल आ गए नीचे। तो बोला ना बादल का मूवमेंट हो रहा है ना, इसलिए सूरज छुपन छुपाई खेल रहा है अपने साथ। अभी शाम के 6:30 हो गए और ऑलमोस्ट सनसेट हो ही रहा है यहाँ पे, तो भाई सनसेट हो चुका है, एक बेहतरीन शाम ढल चुकी है, ज़िंदगी का एक दिन कम हो चुका है, तो ईच एंड एवरी मोमेंट इन योर लाइफ इज सो प्रीशियस, सो इम्पोर्टेंस, सो जिंदगी जिया करो यार, काटो मत। मैं जब से तब से सोया है, पता नहीं उसके पहले से सोया होगा, पर इतना सुकून से सोया है ना, बहुत एकदम क्या बोलते हैं मासूम लग रहा है एकदम। आज जयद ने खुशखबरी दी, अपना सनसेट देखने मिल रहा है भाई अपने को, आज नसीब सच में जोरों पे। सन चला गया यार, कैमरे की सेटिंग करते करते सन चला गया नीचे, बहुत ब्यूटीफुल था। शिट मैन, फाइनली अब सनसेट हुआ। एक्चुअली वो बादल थे, मेरे को ध्यान नहीं था, मैं वो उस साइड में शूट कर रहा था और जैद देख रहा था वहाँ पे, और जैसे ही बादल हटे सूरज आधा मतलब नीचे गया था और हाफ माउंटेन के ऊपर था। मैं कैमरा घुमा के सिर्फ सेटिंग कर रहा था, उतने में झुप नीचे, और फाइनली अभी बोल सकता अभी सनसेट हुआ। तो फाइनली दिन का एंड हो चुका है, सूरज डूब चुका है, अच्छे अच्छे मोमेंट कैप्चर कर लिए अपन ने, और यहाँ पे अच्छा व्लॉग बन जाएगा और अच्छे व्यूज़ आएंगे, ये उम्मीद है मुझे। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर ये वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो अपना नेक्स्ट व्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं कहीं जाऊंगा इंशाल्लाह अच्छी जगह प्लेस पे और एक्सप्लोर करूंगा, और आपको भी उसका देखने का मौका दूंगा। ये बहुत ब्यूटीफुल है यार, मतलब कहीं से भी आप कैमरा लेके पकड़ के खड़े हो जाओ, बैकग्राउंड तो दिखता है ना, बैकग्राउंड फुल टू फटैक, ये अपना बना हुआ वर्ड है, नो कॉपीराइट्स मैन। क्या लग रहा है ना, ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल है, और मैं बहुत मजे कर रहा हूँ, बहुत एंजॉय आ रहा है, बहुत मतलब क्या बताओ आपको, मैं तो इतना मजा आ रहा है, ठंडी हवा, मौसम ठंडा हो चुका है, बारिश नहीं आज। तो अपना व्लॉग इधर ही अपन ख़त्म करते हैं, बता रहा आपको कैसा लगा ये प्लेस, कभी आना हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं भी चलूँगा आपके साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखते हो हमेशा मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो भाई, वीडियो को कमेंट करो, और वीडियो पूरा देखो, तो लाइक करो, शेयर करो अपने कॉन्टैक्ट्स में, जहाँ जहाँ आपको पॉसिबल है बोलेगा तो व्हाट्सएप FB जहाँ पे भी कर सकते हो आप, और अपने भाई को सपोर्ट करो और एक खूबसूरत नज़ारे को सपोर्ट करो, और ऐसे ही नए बेहतरीन प्लेस में एक्सप्लोर करता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। अभी जस्ट सनसेट का शूट ख़त्म ही किया था और मैंने व्लॉग एंड किया था, पर जैसे ही बंद करके मोबाइल रख के साथ घूम के बातें कर रहे थे मैं उस जैद, और आसमान में नज़र गई, और आप ये देख सकते हो पीछे, यहाँ से चन्ना मामा निकला है भाई, मतलब आज सोने में सुहागा है अपना एकदम, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ये ऐसा भी व्यू मिलेगा यार। और यहाँ पे चांद भी निकला है, एक साइड में सनसेट भी हो गया और ये साइड से चांद निकला है, सो चांद निकल गया और अपन यहाँ पे यहीं पे अपना व्लॉग एंड कर देते हैं। तो चलिए चांद के साथ व्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर से बोल रहा हूँ, अपना ख्याल रखना।